फ्रेंड्स, आज इसका चौथा दिन है, लेकिन बहुत ही अच्छी इसकी रिस्पांस दिया है और बहुत ही अच्छी तरह से चला रही है। मुझे थोड़ा सा भी इसमें मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैंने एक से दो बार इसे टर्निंग लेने के लिए सिखाया है और ब्रेक यूज कैसे किया जाता है, एक्सीलेटर यूज कैसे किया जाता है, एक्सीलेटर पे कंट्रोल कैसे पाएंगे, और प्लस की जब भी उबड़ खाबड़ रास्ते में चढ़ेंगे तो कैसे चढ़ेंगे, ये मैंने इसे बताया था। लेकिन बहुत ही आसान तरीके से इसने बहुत ही इजीली सीख गई है। तो ये देखिए कितना कॉन्फिडेंस के साथ में ये चला रही है, बहुत ही ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंस है। तो फ्रेंड्स, इसने गड्ढे को भी बहुत ही आराम आराम से पार किया है और बहुत ही अच्छी तरह से इसने चलाया है। तो ये देखिए ये कैसे टर्निंग ले रही है, टर्निंग देखिए इसका लेने का तरीका कितना परफेक्ट है, और बहुत ही आसान तरीके से इसने टर्निंग भी ले लिया है। हालांकि पैर को इसने नीचे करके ही टर्निंग लिया है, लेकिन धीरे धीरे वो भी बैलेंस बना लेगी कुछ दिनों में। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखिए यहाँ भी ये टर्न ले रही है, बहुत ही आसान तरीके से टर्न ले रही है और बहुत ही इजीली टर्न ले रही है। स्कूटी के एक्सीलेटर पे इसका हाथ बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट तरीके से बन चुका है, हाथ को इसने एक्सीलेटर पे बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना इजीली और परफेक्ट तरीके से ही चार दिनों में इसने बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस बना लिया है। मैंने बस एक बार से दो बार इसे टर्निंग लेने के लिए सिखाया है, टर्निंग लेने के लिए बताया है, इसे बताया कि कैसे टर्निंग लेते हैं। इसे इसने बहुत ही अच्छी तरह से अपने माइंड में बैठा लिया और धीरे धीरे इसने पहले पैर को नीचे करके टर्न लेने का कोशिश किया, तो एक से दो बार इसका स्कूटी का डिसबैलेंस हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बहुत ही अच्छी तरह से पैरों को ही नीचे करके टर्न ले रही है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से टर्न ले रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इसका टर्निंग लेने का जो तरीका है वो कितना अच्छा से टर्न ले रही है। तो मेरी हर वीडियो में बस यही कोशिश रहती है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं या जो भी वीडियो आपको दिखा रही हूं उसका पूरा फ़ायदा आप उठा सको। तो ये देखिए यहां पे ये टर्न लेगी, तो टर्न लेने का इसका तरीका देखिए, बस आपको भी इसी तरह से टर्न लेना है। आप तो इस समय पैरों को ऊपर करके टर्न नहीं ले पाओगे, तो बस इसी तरह से धीरे धीरे स्कूटी के हैंडल को थोड़ा सा आगे पीछे करते हुए उसे सेट कीजिए, फिर धीरे से टर्न लीजिए, फिर पैरों को ऊपर करें और धीरे से बहुत ही आसान तरीके से धीरे से आप धीरे धीरे बिल्कुल स्लो स्कूटी चलाना है। मेन होता है टर्निंग लेना। तो टर्निंग देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कितना इजीली और धीरे धीरे टर्न ले रही है। तो बस इसी तरह से आपको स्कूटी के हैंडल को पहले सेट करना है, आगे पीछे करके सेट कर लेना है, उसके बाद धीरे से पैरों को नीचे रखते हुए टर्न ले। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्या होगा कि स्कूटी का परफेक्ट बैलेंस आपसे समन रहा है और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है टर्निंग लेने में। तो फिर आप किसी भी मोड़ पर जाओगे तो बहुत ही इजीली और परफेक्ट तरीके से टर्निंग ले लोगे, तो बहुत है आसान। अगर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हो तो बिल्कुल जैसे मेरी ये व्यूअर्स स्कूटी चला रही है, और इनका तो आज चार दिन है, लेकिन चार दिन में इसका बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पॉन्स रहा है और मुझे थोड़ा सा भी मशक्कत नहीं करना पड़ा। थोड़ा सा मैंने इसे समझाया टर्निंग कैसे लेते हैं, एक से दो बार बताया बस, फिर उसने उसे अच्छी तरह से दिमाग में सेट किया और धीरे धीरे अपने आप से ही टर्न ले रही है। तो अब मैं यहाँ देखिए उबड़ खाबड़ रास्ते में इसे लेके आई हूँ, जहाँ गड्ढा दिखे अक्सर हल्का सा एक्सीलेटर लोगी, एक्सीलेटर हल्का सा तेज करते हुए गड्ढा पार करूँगी धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे चढ़ाई है, जो आज इसका चौथा दिन है, लेकिन बहुत ही आराम से चढ़ाई को भी चढ़ा ली है। सामने से गाड़ी आ रहा है, उस पर ध्यान दोगी धीरे से।
तो फ्रेंड्स आज इसका चौथा दिन है, लेकिन बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत ही अच्छी तरह से इसने स्कूटी को चलाने के लिए सीख लिया है। मतलब कि ये 60% स्कूटी चलाने के लिए सीख गई है। और ये देखिए, ये चढ़ाई है जो बहुत ही आराम आराम से वो निकाल ले रही है। कहीं हल्का सा गड्ढे में फंस रही है, लेकिन फिर भी, तो फ्रेंड्स ये देखिए हल्का सा गड्ढे में जाके फंस रही है, लेकिन वहाँ भी एक्सीलेटर हल्का सा तेज लेते हुए उसने स्कूटी को निकाल लिया है। और बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स है इसकी स्कूटी चलाने की। रुक जाओ, मोड़ है, रुक जाओ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरह से इसने स्कूटी को निकाल लिया, रोड पे आ गई है मोड़ पे, और दाएं बाएं देख के अब मैं इसके स्कूटी में बैठने वाली हूँ। हाँ, तो आज आपका कितना दिन है? आज मेरा चौथा दिन है। तो आपने क्या क्या अभी तक सीखा ये बताइए मेरे व्यूअर्स को। मैंने आज गड्ढे पे ऊपर चलाना सीखा, ढलाव सीखा, और चढ़ाई कैसे करते हैं मैंने ये। तो यहाँ पे आप बताना चाहेंगे कि गड्ढे को पार करते समय वहाँ पे आपको कैसा महसूस हुआ? वहाँ पे क्या आपने एक्सीलेटर तेज किया या फिर एक्सीलेटर कम करके ही गड्ढे को पार कर लिया? एक्सीलेटर तेज, मतलब जैसे गड्ढे को मैंने पार किया, थोड़ा सा एक्सीलेटर तेज कर करके गड्ढे को मैंने पार, इजिली पार हो गया। चलो ठीक है, तो चलो अब रोड की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं अब रोड पे जाने वाली हूँ और मैं इसके स्कूटी में बैठने वाली हूँ, तो मैं ब्रेकर दिखाऊंगी कि ब्रेकर को कैसे पार करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं आपको यहाँ दूर से दिखा रही हूँ और मुश्किल होता है थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करना, लेकिन ये देखिए कितना इजीली और परफेक्ट तरीके से इसने ब्रेकर को पार कर लिया है। तो मैं आपको ऐसे सूट करके इसीलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि जब भी आप स्कूटी चलाने के लिए सीखो तो ब्रेकर को कैसे पार करोगे। तो बस ब्रेकर के पास पहुँच कर एक्सीलेटर को स्लो करें और बहुत ही स्मूथली आपका ब्रेकर पार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, ब्रेकर को भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसने पार किया है। और इसके हाथों को देखिए, हाथों को कैसे रखा है, इसका एक दोनों हाथ जो है मुट्ठी बंधा हुआ है, लेकिन जहाँ पे इसे हॉर्न लेना है और इंडिकेटर लेने के लिए भी मैंने इसे टर्निंग में बताया है, तो ये इंडिकेटर ऑन करके इंडिकेटर टर्न बहुत ही अच्छी तरह से ले रही है। तो ये देखिए कैसे ये इसने अपने अंगूठे का इस्तेमाल किया हॉर्न बजाने के लिए, इंडिकेटर यूज़ किया। तो बस इसी तरह से ही आपको प्रैक्टिस करनी है, आराम आराम से, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, एकदम धीरे स्लो। तो फ्रेंड्स आज इसका चौथा दिन है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से इसने रिस्पॉन्स दिया है, बहुत ही अच्छी तरह से इसने एक्सीलेटर पे भी हाथ जमा लिया है। मैं बैठी हूँ लेकिन मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है इसके साथ में बैठने में, क्योंकि इसका ओवर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छी तरह से ये स्कूटी भी चला रही है, ये देखिए मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ। और इसने मुझे बैठा के बहुत ही आराम आराम से ब्रेकर को भी पार कर लिया है।